तो आरआरबी जेई जीडीसी का जो वैकेंसी आपका अनाउंस हुआ है, जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जो भी ऑलरेडी रेलवे में है उनके लिए ये पोस्ट है। बाकी डोंट वरी, जल्द ही आपका फ्रेश वैकेंसी भी आने वाला है नवंबर दिसंबर तक। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जैसे 2018 में हुआ था वैसे 2019 में भी होगा, मतलब कि आपका जो आने वाला है ये 23 आपका होने वाला है, क्योंकि 19 में आपका चुनाव था, 24 का चुनाव आपका है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो जो है ये सबके लिए यूजफुल है, चाहे अगर आप जीडीसी में आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि फ्रेश वैकेंसी का और जीडीसी वैकेंसी का सिलेबस सेम है, पूरा सब टू सेम है, डिट्टो। सीबीटी टू, सीबीटी वन आपका क्वालिफाइंग था वो तो आप जानते थे, लेकिन सीबीटी टू का ही है। बाकी मैंने दो तीन वीडियो और बनाई है आरबी जी जीडीसी के अकॉर्डिंग, आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी जेई जीडीसी के नाम से, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। यहां हम बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपका जो वेटेज था पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था आपका 2019 में आरआरबी जेई का, उसमें कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट से आए थे उसकी हम बात करने वाले हैं। इससे फायदा ये होगा कि भाई आपको एक मोटा तौर पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई किस तरह तैयारी करनी है, क्योंकि हमको स्मार्टली वो भी करना है साथ साथ में, ऐसा नहीं कि बस हार्डवर्क ही करना है, स्मार्ट वो भी करना है जिससे कि हमारा हर चीज अच्छे से हो पाए। चलिए तो शुरू करते हैं और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और एक बात और है, कई बच्चे मुझे बहुत ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इस वीडियो को मैक्सिमम से कीजिएगा, जिससे कि बच्चों को मैं मिल सकूं। कहने मतलब ये है, क्योंकि मैं 19 से मैंने पढ़ाया तो कई बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं और कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं आपको बहुत दिन ढूंढ रहे थे, तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से कीजिएगा। बाकी एक और चीज़ है कि भाई कई लोग कन्फ्यूज है कि सर ये 4000 का बैच है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका 4000 का बैच नहीं है। होता क्या है कि जो हाईएस्ट अमाउंट होता है यहाँ पर आपको दिखता है, अब 4000 रुपये आपका 12 मंथ का है। जब आप जाएंगे ना क्यूटेक रत्नेश पांडे आपका जो ऐप है, मैं इसको लिंक दे दूंगा, लिंक मैं दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, तो वहां से डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आरआरबी जेईडीसी में आप जब जाएंगे तो यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पर जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का ऐसे आपको मिलेगा प्लान। तो आपकी इच्छा है जितना चाहे आप ले सकते हैं 3 मंथ 6 मंथ का, ऐसा बिल्कुल नहीं कि 4000 ही पे करना है आपको, आपका 3000 भी है 2000 भी है, न्यू ट्रेन कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी ताकि आपको पता रहे, ऐसा ना हो कि आप अपने कहते चार्जर का कैसे करें, तो बाय नाउ पे क्लिक करिए आपको ऑप्शन खुद ही दिख जाएंगे, डोंट वरी पैसा कटेगा नहीं आपका, पहले पहले बाय नाउ करेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मत लीजिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, लेकिन इस पर बात हम और करेंगे, भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस दिया हुआ है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, फालतू कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं आगे कहूंगा भी, हमेशा कहता रहूंगा, और आप लोग समझदार हैं कि भाई सिलेबस दिया हुआ है तो सिलेबस के बाहर क्यों पढ़ना। तो जो आपका पेपर हुआ था, जस्ट वेट फॉर सेकंड, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है, ये आपका ये 31 सितंबर आपका है, नॉट अगस्त आपका, ठीक है, अक्टूबर आपका है, सॉरी, क्योंकि अब ये थोड़ी है अगस्त में होगा तो फिर आपका वो अक्टूबर में इतना लंबा कैसे होगा। तो अक्टूबर में आपका 31 अक्टूबर हुआ था, 1 नवंबर आपका ये पेपर आपका हुआ था। पेपर आपका जो हुआ था वो सीबीटी वन के 10 दिन बाद ही हो गया था, बहुत ही फास्ट हुआ था, अभी तक के इतिहास में रिकॉर्ड है ये, 10 दिन में आपका एग्जाम हो गया था, ये टेक्निकल आपका जो एग्जाम था। ठीक है, तो ये 100 नंबर आपका आया था पूरा, आपका जो ये क्वेश्चन पेपर आपका दिया हुआ था टेक्निकल आपका जो था 100 नंबर, 50 नंबर की बात हम करेंगे अभी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से आपके 7 क्वेश्चन आए थे, किसमें 7 नंबर, 7 क्वेश्चन बात ही है, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का था आपका, तो 31 वाले में आया था 7 नंबर, इसमें आया 10 नंबर आपका। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपका LIC, ये दोनों मिलकर आपको मैंने बनाया है क्या, ADC एनालॉग मैंने बनाया है, तो ये दोनों वही होते हैं आपके, तो ये दोनों मिक्स हैं आपके, यानी कि दो मिला के ADC एंड एनालॉग, इससे आपका आया था 17 नंबर आया था, 16 नंबर आया था आपका 1 नवंबर को। डिजिटल में आपका 13 आया था, यहाँ पे 14 आया था, 14 आपका आया था। माइक्रो प्रोसेसर में आपका यहाँ 6 आया था, यहाँ 7 आया था। इलेक्ट्रॉनिक में 8 आया था, यहाँ 9 आया था। कम्युनिकेशन में यहाँ 13 आया था, यहाँ पे 14 आया था। बात करते हैं DCN में, तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 10 आया था। कंप्यूटर में यहाँ पे 16, यहाँ पे 14 आया था। और बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका यहाँ पे 17, यहाँ पे 10 आया था। तो ये नंबरिंग थी आपकी, ये नंबर आपके आए हुए थे। ठीक है, तो इसको आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए, परख लीजिए इसको आप। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दे की कि पेपर कैसा आया था, मतलब कि लेवल कैसा था। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको कि लेवल कैसा था। पूरा थ्योरी आपका था, न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम थे, न्यूमेरिकल्स ना के बराबर थे, यानी कि ना ही समझिए तो अच्छा है, ना के बराबर थे आपके। लेकिन ये पेपर आपका 2019 में हुआ था और सिलेबस जो दिया गया है, सिलेबस अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। तो हम एज अ टीचर क्या होता है कि हमको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, हर एक पहलू देखना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम कुछ भी छोड़ देंगे तो फिर वो आपको लगेगा ना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आपको हर एक तरीके सब कुछ पढ़ाऊँ आपको, बात सुनिए ना लोग। जैसे भी अभी करंट में एग्जाम के हुए हैं, IBG हुआ है, उससे पहले हुआ है, तो मैंने सब पढ़ाया ताकि आपको एग्जाम में देखिए उल्टा मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए हम लोग 100% तैयार रहें किसी भी सिचुएशन के लिए, इसलिए हम लोग सब कुछ पढ़ाते हैं अच्छे से प्रॉपरली जो भी है। अब यहाँ बताती है कि सर पहले क्या करें हम, क्योंकि भाई देखिए जाहिर सी बात है कि ADC एनलॉग हो गया, इनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आए थे, बेसिक न्यूमेरिकल नहीं आए थे बिल्कुल भी, आपका कम्युनिकेशन न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आया थे, आपका बस थ्योरी थ्योरी आया था।
तो क्या हमको न्यूमेरिकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि अभी आप सिर्फ थ्योरी करते रहिए, फटाफट न्यूमेरिकल इक्का दुक्का देखा देखिए, नहीं तो मत देखिएगा बिल्कुल भी अभी फिलहाल, क्योंकि पहले आप थ्योरी कर लीजिए। जब ये थ्योरी पूरी हो जाए उसके बाद आप न्यूमेरिकल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अगर न्यूमेरिकल आए भी तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे मैं हर एक सब्जेक्ट को बताने बैठूंगा तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और कई लोग बोर भी जाएंगे, फिर कई लोग छोड़ भी देंगे, क्योंकि भाई मूवी तो चल रही है, ये आपका पढ़ाई का माहौल है, तो इसलिए पढ़ाई में वैसे ही मन नहीं लगता है, ऊपर से ये देखेंगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि मैं ऐसा करूंगा कि ये आपका लोगो है, ठीक है, जब आप ऐप खोलेंगे ना वहाँ पे आरआरबी जेई जीडीसी आपका जो बैच है वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लोगो मिलेगा रेलवे का। यहाँ मैंने बैच प्लान बता रखा है, आपका पीवाईक्यू भी यहाँ पे दे रखा है मैंने आपका, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी लॉक्ड वीडियो जो है वो लॉक्ड है, आप देख सकते हैं डेमो के लिए। तो इसके अंदर मैं बनाऊंगा फोल्डर, कितने 9, जितने जैसे कि आपका ये सर्किट जितने भी ना इनके नाम से, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपका LIC आपका इनका मिला के ADC लॉक का अलग फोल्डर बनेगा, इसके अंदर मेजरमेंट का अलग बनेगा, सी का अलग बनेगा, सबका अलग बनेगा फोल्डर आपका। क्यों बनेगा, उसका कारण क्या है कि इसके अंदर फोल्डर बना के मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपरली मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, मतलब अभी, क्योंकि हमको स्मार्ट वर्क भी करना है, ये नहीं कि हम मेहनत करते जा रहे हैं और उसका कोई आउटपुट ना मिले, तो वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी यहाँ पे लोगों में रहेगा आपका, इसमें आप जरूर देखें। मान लीजिए अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करना है तो पहले आप यहाँ पे आके देख लीजिए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना रहेगा, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना सभी कुछ है, ये नहीं कि यहाँ पर सिलेबस से बाहर कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि भाई थ्योरी पूछी गई है तो थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, बाकी न्यूमेरिकल जो बचे हैं बाद में कर लीजिएगा, इससे आपका टाइम बचेगा और आप बहुत जल्दी सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ADC लॉक शुरू करने वाले हैं तो पहले आप यहाँ देख लीजिएगा लोगों के अंदर आके कि भैया ADC लॉक में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, कौन सा लेक्चर देखना है कौन सा नहीं देखना है, मैं आपको पूरा बताऊंगा प्रॉपरली अच्छे से, बात समझ रहे आप लोग। फिर ऐसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पर। इससे क्या फायदा होगा भाई, आपको आराम से हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, वो पूरा अनलॉक रहेगा, चाहे वो पेड बच्चे हो चाहे वो अनपेड बच्चे हो, सबके लिए अनलॉक रहेगा, आप आराम से देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका फायदा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, MFT कितना पढ़ना नहीं पढ़ना है, सब बताऊंगा मैं आपको वहाँ पर एकदम अच्छे से, आप निश्चित रहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपका एक फोल्डर बन जाएगा, इसी नाम से बन जाएगा, ठीक है। बस याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का और LIC का मैं साथ में कंबाइंड करके बनाऊंगा, ठीक है, किस नाम से, ADC एंड एनालॉग, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, बस उन्होंने अलग अलग कर दिया है, एक ही आपके सब्जेक्ट दोनों हैं आपके, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इससे आप स्मार्टली क्या करते हैं तैयारी कर सकते हैं। एक बात और, यहाँ लोगों में सब्जेक्ट्स क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको MCQ प्रैक्टिस भी कराऊंगा बहुत ढेर सारी, उसका कोई चार्ज नहीं है, हम सोचिए कि उसका चार्ज लग रहा है, कुछ चार्ज नहीं रहेगा इसके अंदर, ताकि हम लोग हूबहू जो पेपर आपका आया हुआ था उस हिसाब से हम तैयारी कर सकें, ठीक है। तो जहां तक हो सकता है, और मुझे पता है भाई जॉब कर रहे हैं आप लोग तो आपको टाइम वैसे भी कम मिलता है, तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं और कम टाइम में आप अच्छा ग्रैब कर सकें, और अपनी जो ड्रीम है, आप ग्रुप डी में हैं, आप ALP में हैं, तो आपकी जो ड्रीम जॉब है JEE की वो आप पा सके, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसमें रहिए, ये वीडियो जो आपकी कब तक आ जाएंगी, ये वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि आज रात तो पॉसिबिलिटी कम है, कल सुबह तक, मतलब रात तक का आपको पूरा, कल संडे है तो कल छुट्टी रहेगी, तो मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं डाल दूंगा, क्योंकि भाई देखना पड़ता है ना भाई सिलेबस पेपर कैसे क्या आया था, तो आपको बताना पड़ेगा। वो आपको होता क्या है कि देखो सिलेबस बहुत सारा होता है, सिलेबस देखो आप तो ये बहुत सारा सिलेबस है, ये कम नहीं है। तो ये एग्जाम ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे थे जिनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, लेकिन तब भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप ये सोचें कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम बता पाएंगे, तो वो कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, वो बता सकते हैं कौन, जिनका जुगाड़ होता है वो, हमारा तो जुगाड़ तो ऐसा है नहीं, हम लोग भाई मेहनती लोग हैं, जो हम लोग मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का जो भी चीज़ें हम सेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए तैयारी में पढ़ना आपको बहुत पड़ता है, लेकिन उनमें से थोड़ा ही आता है, ये ऑब्वियस बात है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, तो मैं आपको प्रॉपरली पूरा बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं रहेगी। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई, समझ में आपको अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उससे पूछ लीजिएगा। ग्रुप का जो बनेगा आपका, ग्रुप वाला भी यहीं पे आपको मिल जाएगा, एक वीडियो कि ग्रुप बना दूंगा मैं, उसका लिंक भेज दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपका जब बनेगा मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब पे भी आप लोग एक्टिव रहिएगा, जो लोग भी पेड को ज्वाइन कर चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग इसी माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं। हाँ, अब आती है बात कि जो भाई आपका 50 नंबर का नॉन टेक मतलब कि जनरल अवेयरनेस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बेसिक कंप्यूटर का हो गया, एनवायरमेंट आपका हो गया, इनसे क्वेश्चन कितने आए थे, मैंने ये भी बनाया आपके लिए। फिर से यहाँ पे अगस्त नहीं है, ये आपका नवंबर है। आपको सोचिए कॉमन सेंस वाली बात है कि ईद 31 अगस्त के बाद नवंबर में कैसे होगा, जिसका बाद में होगा तो तुम्हें तो वो तो खुश हो जाएगा, जिसका पहले गुस्सा हो जाएगा यार, यार हमारा ऐसे कैसे हो गया। तो देखिए जनरल अवेयरनेस उन्होंने बोला था कि भाई 15 मार्क्स का आएगा, लेकिन यहाँ पे 19 मार्क्स आया, यहाँ 16 मार्क्स का आया है।
अब ये वेरिएशन ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बेसिक जो कंसेप्ट आपका जो इन्वायरमेंट वाला होता है पार्ट आपका और जनरल अवेयरनेस, ये दोनों क्या होते हैं, करंट के ही पार्ट होते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में कई सारी ट्रिटीज होती हैं आपस में, देशों के बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये आप मान चलते हैं कि भाई जनरल अवेयरनेस और ये पॉल्यूशन कंट्रोल जो आपका है इसके बीच में ही कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ हुआ है। क्योंकि भाई देखिए 19 नंबर है तो मान लीजिए 4 नंबर यहाँ हुआ होगा तो ये 8 नंबर हो गया, यहाँ पे ये 15 नंबर हो गया होगा, यहाँ पे ये 1 नंबर, यहाँ 10 नंबर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहा होगा इसलिए 19 ये वेरिएशन आया है, बाकी लमसम उतना ही आया था, अब ज़्यादा और कम हो सकता है। उन्होंने साफ साफ बोला था नोटिफिकेशन में कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जरूरी नहीं कि वही आपको मिलने वाला है, आपका ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो यहाँ 13 मार्क्स आया था, यहाँ 15 मार्क्स आया था, उन्होंने वैसा ही बोला था वैसा ही मिला आपको। बेसिक कंप्यूटर में यहाँ पे क्या हुआ, 4 और 6, ये क्यों वेरिएशन आपका आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो आपका टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है टेक्निकल में आपका, तो वो दोनों मैच कर रहे हैं। तो अब कंप्यूटर वाली रैम आ गया तो रैम अब कंप्यूटर में भी आता है, यहाँ भी आता है, एड्रेस वाला भी आ गया तो यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, वायरस पूछ लेगा तो वहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका मिक्सअप हो गया है। तो इसलिए आप ये मान सकते हैं कि आपका ऐसे रमसम रहेगा, ठीक है। तो पूरा आपने प्लान किया हुआ है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको इसकी भी तैयारी करवाऊंगा, यानी कि इसके मैं आपको MCQs करवाऊंगा, क्योंकि ये जनरल टॉपिक्स हैं, ये आप पहले से जानते रहते हैं, तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ने कोई लॉजिक बनता नहीं है। जैसे आपकी डेट अनाउंस होगी एग्जाम की तो मैं यहाँ पे आपको MCQ प्रैक्टिस कराऊंगा इसका ही, और कहाँ होगा वो, आपके इसी लोगों के अंदर होगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पे आपके फोल्डर बन जाएंगे, जो आपके 9 इसके बन जाएंगे और आपके 3 इसके बन जाएंगे, 9, 3, 12 ऐसे फोल्डर आपके बन जाएंगे, तो वहां पे आपको आराम से दिख जाएगा भाई कौन सा सब्जेक्ट किस कहाँ पढ़ना है, आपको बिल्कुल भी डाउट रहेगा ही नहीं। कुछ भी रहेगा तो आपको पता ही नंबर आपका, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा प्लान रहेगा 150 मार्क्स का आपका, 220 मिनट आपका 150 है, तो ऑब्वियस बात है कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल देंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारा काम है हमको हर एक चीज़ पढ़ानी है, क्योंकि क्या होता है कि हर टाइप के स्टूडेंट से मुलाकात हमारी होती है, और ऐसा बिल्कुल करते हैं कि अगर आपकी जो डिमांड है वो पूरी ना करें। भाई कई बच्चे कहते हैं कि सर मान लीजिए हमने ये भी देना है, हमको कुछ और भी देना है, हमने आपका बैच लिया है तो आपका काम बनता है कि हमको पूरा पढ़ाइए, तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हमको सबको जॉब देना होता है, ये मजबूरी है, ठीक है। बाकी मैंने आपसे कहा ना कि मैं सबका ख्याल रखूंगा, मैं यहाँ पर जब बता दूंगा आप भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो अपना कर लेंगे, जो न्यूमेरिकल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल आपके पास है, बात समझ जाए भाई, क्लियर है। तो कोई भी दिक्कत हो मैं क्या बोला आपको, यहाँ पे आपका कल तक वीडियो पूरा अपलोड हो जाएगा कि भाई क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और MCQ जो आपका प्रैक्टिस बैच आएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो, क्योंकि उसको हम लोग ऐसे प्लान करेंगे कि भाई जो आपका JEE में आ सकता है RRBJEE में वैसे ही हम एकदम करेंगे उसको, ठीक है, और वो आपको यही मिल जाएगा। बाकी जिन्होंने बैच अभी ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूटेक रेस पांडे जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, इस नाम से आपका ऐप भी है प्ले स्टोर पे भी, और आप इसको लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, जिसको देखना हो आप मुझे बता सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैंने दे रखा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। आप जाइए पेड कोर्स में, यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, RRBJEE GDC आपका मिलेगा यहाँ पर, आप इसको क्या करिए व्यू डेमो करेंगे तो आपको ये पूरा दिखेगा, ऐसे टाइप से आपके सब्जेक्ट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, आपको वीडियोस दिखेंगे, तो ये आपके ओपन है, इसको आप देखिए आराम से, सोचिए परखिए, उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिएगा, जबरदस्ती में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ PDF भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल यहाँ पर रहेगा आपको, ठीक है। बाकी मैंने क्या बोला ना, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, प्रैक्टिस आपका रहेगा और यहाँ पे कैसे पढ़ना आपको ये रहेगा आपका, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ का ये प्लान आपको मिल जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे जो आपकी इच्छा हो 3 मंथ का 6 मंथ का जैसे आपको लेना हो आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट आपका हमेशा आता रहता है, ऐसा नहीं आता है, हमेशा आता रहता है, तो आपको फायदा ही करेगा नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, और जैसे ही आप करेंगे तो अप्लाई कूपन आएगा, तो यहाँ पे न्यू टेन कोड लगाएंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, 900, 1800, 2700 और 3600 का हो जाएगा, ये कोर्स प्राइस आपका हो जाएगा। पे ना भी कीजिए, पे आप कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, व्हाटएवर जो भी आपका पेमेंट मोड है आप कर सकते हैं, मैं दिक्कत के, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी एंड व्हाट्सअप मी, पहले आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, क्योंकि मैं क्लासेस रहता हूँ तो हो सकता है मैं आपको कॉल उठाना पाऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा, मुझसे बात कर सकते हैं। एक सभी बस आपसे आग्रह है कि भाई जितना हो सके आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, कई बच्चों को नहीं मिलता है वीडियो, तो काफ़ी ज़्यादा वो बाद में उनको लेट मिलता है, तो मैसेज आता है तो बड़ा तकलीफ मुझे होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बाकी यूट्यूब पे क्लास आपकी जो है वो चलती रहेंगी, चलती आई है आपकी 10 PM पे आपका डेली जो होता है आपका, एंड थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, एंड आपका जो प्यार आपका सपोर्ट है वो हमको मिलता जा रहा है और ऐसे ही मिलता रहेगा उम्मीद करता हूँ, और ऐसे ही मैं आपके लिए जो नई नई वीडियो जो भी है जैसा भी आपका एग्जाम आएगा उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। IBJEE के लिए मैंने आपको ग्रुप पे डाल दिया है पूरा प्रॉपर कि भाई कितने मार्क्स क्या आया था, बाकी मैं उसका वीडियो रख बना दूंगा जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, क्योंकि आपके जॉब की बात है उसके बाद सब्सक्राइब हट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब मिल जाएगी छोड़ देना आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और कोई भी दिक्कत है कोई समस्या है फ्री टू आस्क, बाय बाय, धन्यवाद।